भैया के आंसू पोंछने नहीं जाओगे? जब हम मैया को छोड़कर मथुरा चले जाएंगे तब मैया के आंसू कौन पोंछेगा? परंतु तुम मैया के पास भोजन लेने गए ही क्यों? मैया की ममता और उनकी भावनाओं को जगाने के लिए भैया। भैया, जैसे जैसे मैया इस सत्य को स्वीकार करेगी कि अब कृष्णा उनका नहीं रहेगा, वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा, वैसे वैसे उनका दुख हल्का होता जाएगा भैया। और दुख हल्का तभी होता है जब वो आंसू बनकर आंखों से बहेगा। इसीलिए जब हम मैया को छोड़कर मथुरा चले जाएंगे तब मैया को उतना दुख नहीं होगा जितना आनंद मामा जी को मेरे मथुरा आने पर होगा। देखो चाणूर, वो शिव धनुष हमारी अमरता का प्रतीक। हाँ महाराज, ये धनुष आपकी अजय शक्ति का चिन्ह है। किंतु महाराज, महर्षि गर्गाचार्य ने कहा था कि आपके विपत्ति का चिन्ह है। कृष्ण, देखो देखो उसको, ये धनुष इतना विकराल है जिसे इतने आदमी मिलकर खींच भी नहीं पा रहे हैं। ये इतना भारी है, इसे कोई मनुष्य उठाकर तोड़ेगा कैसे? कृष्ण तो इसकी डोरी को भी नहीं ला पाएगा, देखते ही भयभीत हो जाएगा। महाराज, क्या ये गोवर्धन पर्वत से भी अधिक भारी है? हाँ कृष्ण, ये गोवर्धन पर्वत से भी अधिक भारी है। कृष्ण इस धनुष को देखकर अवश्य भयभीत होकर यहाँ से भाग जाएगा। चाणूर, महाराज, इस धनुष को वही आदर मिलना चाहिए जो एक सम्राट को मिलता है। जी हाँ महाराज। महाराज, जिस यज्ञशाला में इस धनुष को रखा जा रहा है एक सहस्त्र योद्धा इसकी रक्षा करेंगे। महाराज, यदि इस धनुष को खोने का इतना ही भय है कि आप इसकी रक्षा के लिए सहस्त्र सैनिक रख रहे हैं महाराज, तो अच्छा होगा कि आप इसे विशाल बेड़ियों में जकड़कर विशाल ताले में रखें, सुरक्षित रहेगा। केशनी, यदि कोई भी इस धनुष को तोड़ने में असफल रहा तो हम मथुरा नरेश कंस इस संसार के स्वामी बन जाएंगे। स्वामी।
मेरी मैया है। और तुम मेरे? मैं आपका पुत्र। एक पुत्र का क्या धर्म होता है कान्हा? अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उन्हें संतोष प्रदान करना। अपने माता पिता का आदर करना। तुम मेरा आदर करते हो? हाँ मैया। आप मेरे लिए भगवान हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। क्या मेरी आज्ञा का पालन करोगे? जय श्री कृष्णा। आपकी आज्ञा का पालन मैं आंखें बंद करके करूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो फिर सुनो कान्हा, तुम किसी भी दशा में मथुरा नहीं जाओगे। हाँ मैया, जब तक आप मुझे अनुमति नहीं देंगी मैं किसी भी दशा में मथुरा नहीं जाऊंगा। परंतु अक्रूर जी और वो दुष्ट कंस तुम्हें गोकुल से ले जाएंगे कान्हा, वो तुम्हें ले जाएंगे। इसीलिए हम गोकुल छोड़ देंगे। हम कहीं और चले जाएंगे, ठीक है मैया? क्यों? अपनी मैया के साथ नहीं आओगे? अवश्य आऊंगा मैया, परंतु हम कहां जाएंगे? जहां तुम मुझसे कभी ना बिछड़ो कान्हा, वहां जहां मुझे तुम्हें खोने का कोई भय ना हो, वहां जाएंगे। पता है कान्हा, हमारे साथ वहां कोई नहीं होगा, केवल तुम और मैं। पिताजी भी नहीं? नहीं, तुम्हारे पिताजी यहीं रहेंगे गोकुल में। यदि वे यहाँ गोकुल में रहेंगे तो कंस के गुप्तचरों को संदेह नहीं होगा कि हम गोकुल छोड़ के कहीं और चले गए। ठीक है मैया। जय श्री कृष्णा, जय श्री। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो चलो कान्हा, हम इसी समय गोकुल छोड़ देंगे। जय श्री कृष्णा। मैंने सुधन्वा को बैलगाड़ी तैयार रखने के लिए कहा है। शीघ्रता करो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हें पता है मैं कितनी आनंदित हूँ, अब तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे कान्हा। जय श्री कृष्णा। चलो शीघ्रता करो, मैं सारे प्रबंध करके आती हूँ। हाँ तुम यही रहना, ठीक है? अवश्य यमुना नदी ही होगी।
चरने वाली गायें, ये गांव गोकुल ही होगा और कृष्ण यहाँ पे ही होगा। तुझे देखकर सब भयभीत होकर भाग रहे हैं। कायर कहीं के सरपो यदि गांव के लोग इतने डरपोक हैं, तो कृष्ण भी डरपोक होगा और मुझे देखकर ऐसे ही भयभीत होकर भागेगा। परंतु मैं उसे भागने नहीं दूंगा, मैं उसे मृत्यु दूंगा, मृत्यु। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मत मारो, मत मारो, मुझे मत मारो। कृष्णा? कौन कृष्णा? कृष्ण, हाँ वही कृष्ण जिसने मथुरा नरेश की निद्रा को उड़ा दिया है। परंतु यहाँ कोई कृष्ण नहीं है। झूठ बोलोगी तो कच्चे चने की तरह तुम्हें चबा जाऊंगा। मैं सत्य कहती हूँ, यहाँ कोई कृष्णा नहीं रहता। ये क्या कह रही हो तुम? गोकुल का छोटा और गोकुल में ही नहीं रहता। ये गोकुल नहीं है, ये विश्रामपुर है। फिर गोकुल कहाँ है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा? मैं आ रहा हूँ। यशोदा, क्या तुम अभी अपने निर्णय पर अटल हो? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या मैंने कोई अनुचित निर्णय लिया है? नहीं नहीं यशोदा, एक माँ अपनी संतान के लिए अनुचित निर्णय कैसे ले सकती है? मैं केवल अपने कृष्ण की रक्षा करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है यशोदा, हमारा कृष्ण अपनी रक्षा नहीं कर सकता? अरे बच्चा है ये, मथुरा जाना चाहता है, जानता नहीं कि मथुरा मथुरा नहीं, मृत्यु की नगरी है। और कंस साक्षात यम, मैं उस कंस
कंस नाम के यम के पास कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। पिताजी, मैया ने कुछ करने के लिए जो ठान लिया, वो जो चाहती है वही करती है। परंतु मेरे लिए तो धर्म संकट है कन्हैया। एक और मथुरा का राजा है, तो दूसरी ओर गोकुल की रानी है। आप अपनी पत्नी का साथ नहीं देंगे? हम तो जन्म जन्म के साथी हैं यशोदा, साथ कैसे नहीं दूंगा। आपका मुझ पर जो विश्वास है वही मेरी शक्ति है स्वामी। मैं कृष्ण को लेकर पहले मायके जाऊंगी। मेरा मायका दूसरे राज्य में है, जहां कंस की तानाशाही नहीं चलेगी। मथुरा का संकट समाप्त होते ही मैं कृष्ण को लेकर वापस लौट आऊंगी। यशोदा, मथुरा का संकट तो कृष्ण ही दूर करेगा, और तुम संकट मोचन को अपने साथ लेकर जा रही हो। आपकी इन्हीं सब बातों के कारण कृष्ण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये मथुरा जाने का हट करने लगा है। मेरा बेटा भगवान नहीं है, ना ही संकट मोचन है, ये तो केवल मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है ये। आशीर्वाद दीजिए। अपनी मैया का ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना पिताजी। शीघ्र ही तुम दोनों पीछे के दरवाजे से बाहर चले जाओ। सुधर्मा बैलगाड़ी में तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है, जाओ जल्दी। चलो कृष्णा। कान्हा को लिए जाए यशोदा, जाए यशोदा। नंदराय जी का मन चाहे